धर्मशास्त्र में नवरात्रियों के समूह का जो पर्व है वह नवरात्र कहलाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि संवत्सर के आरंभ में नवरात्र आते हैं जिन्हें हम वासंतिक नवरात्र कहते हैं। इसी प्रकार शरद काल में जो नवरात्र आते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहा जाता है। लेकिन इन दो प्रसिद्ध नवरात्रों के अतिरिक्त आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्र आते हैं उन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। आषाढ़ मास का जो नवरात्र है वह 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 जुलाई को उनकी पूर्णाहुति होगी। 15 जुलाई यानी भड़ल्या नवमी, जिस दिन अबूझ एक मुहूर्त होता है जिसमें स्वयं सिद्ध इतनी शक्ति होती है कि वह अनेक प्रकार के शुभ आशीर्वादों को, शुभ आश्रयों को स्वयं ही प्रदान करता है। अब यह जो नवरात्र है, एक शाब्दिक अर्थ जरूर है कि कई लोग इन्हें नवरात्रि बोलते हैं, वास्तव में यह संस्कृत भाषा के अनुसार एक शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द नवरात्र है। अब करना क्या चाहिए नवरात्र में? नवरात्र ऋतुओं को जोड़ने का काल है। वसंत में जब आते हैं तो वसंत और ग्रीष्म का संयोग होता है, शरद में वर्षा और शरद का संयोग होता है। उसी प्रकार अभी ग्रीष्म और वर्षा के संयोग में आने वाले आषाढ़ीय गुप्त नवरात्र में 9 दिन तक शास्त्र विधान करता है हमें व्रत करना चाहिए, संयम और नियम का पालन करना चाहिए, और यदि हो सके तो दुर्गा सप्तशती के विभिन्न अध्यायों का पारायण करना चाहिए। यदि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ भी हम लोग न कर सकते हो तो शक्रादि स्तुति के नाम से प्रसिद्ध चतुर्थ कवच का पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन समय की दुर्लभता के कारण व अतिशय व्यस्तता के कारण यदि हम वह भी नहीं कर पा रहे हो तो श्री दुर्गा सप्तशती का वह मांगलिक श्लोक, जिसके पारायण से यह विधान किया ऋषियों ने कि संपूर्ण फल प्राप्त होता है, इस मंत्र का कम से कम 108 बार या उससे भी कम से कम 10 बार जप करना ही चाहिए। यह मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।